1,000 रुपए का सम आपको क्या दिला सकता है TWS मार्केट में। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट द पेट्रॉन बेस बर्ड्स। ये बर्ड्स आते हैं एट अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस ऑफ 999 रुपीज, मतलब 1,000 के नीचे आते हैं, और इसमें काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। सो आई एम गोना टॉक अबाउट दीज बर्ड्स। आर दे गुड अंडर 1,000 रुपीज? आर दे वैल्यू फॉर मनी, मतलब 1,000 रुपीज में ये बर्ड्स आर दे वर्थ इट और नॉट? सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके, सो पहली चीज़, आई एम यूजिंग दीज ईयरबड्स फ्रॉम द पास्ट 2 डेज। सो पूरे प्रॉपर 2 दिन से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इट अराइव 3 डेज बैक, बट मैं प्रॉपर 2 दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ बहुत हैवीली। सो आई एम गोना कम टू द फर्स्ट पॉइंट इंप्रेशंस। मतलब जब मैंने इनको पहली बार ही देखा तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई नोटिस्ड, ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल नोटिस इज द डिज़ाइन एज वेल एज द फिट ऑफ दीज ईयरबड्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन प्लस फिट ऑफ दीज ईयरबड्स। पेयरिंग दीज ईयरबड्स वॉज वेरी इजी विद स्मार्टफोन, मतलब इनको बाहर निकालो एंड स्मार्टफोन पे अपना ब्लूटूथ ऑन करो एंड दे विल गेट कनेक्टेड। अंदर केस में पड़े पड़े ये कनेक्ट नहीं होंगे, सो दिस इज समथिंग टू नोट कि इन्हें दोनों को बाहर निकाल के ब्लू एंड रेड लाइट दोनों पे फ्लिकर करती है, एंड जब तक व्हेन यू कनेक्ट एंड जब उसके बाद कनेक्ट हो जाएंगे प्रॉपरली द फ्लिकर विल स्टॉप और आपको पता लग जाएगा कि ये कनेक्ट हो चुके हैं। थर्ड थिंग दैट आई नोटिस्ड कि इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। आई मीन आई कैन कंपेयर दीज विद द बोट एयरडोप्स 441। इवन 441 जो सिंपल वाले थे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी ऑलरेडी, आई मीन वो प्रॉब्लम्स उसकी साउंड क्वालिटी के साथ नहीं थी, उसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट द प्रॉब्लम्स वॉज विद द हार्डवेयर ओनली, जो जैसे वो मैनुफैक्चर था तो उनमें ही डिफेक्ट था। बट इसकी क्वालिटी यार काफ़ी अच्छी लगी, मतलब मज़ा आया मुझे ये एयरबड्स डाल के सुनने में सॉन्ग्स। इसकी 50%, जैसे मैंने 701 ANC की अगर आपने वीडियो देखी होगी मेरी, उसमें मैंने बोला था कि उसकी वॉल्यूम कैपेसिटी काफ़ी कम थी, मतलब अगर मैं 80% पे भी सॉन्ग्स चलाऊँ 701 ANC पे तो ऐसा लगता था कि मैं 441 Pro पे यू नो 50-60% पे सुन रहा हूँ, तो वो काफ़ी वॉल्यूम में कम थे। इसकी वॉल्यूम एक्चुअली बहुत अच्छी है, आई मीन यू कैन लिसन टू 60% पे भी ये बहुत सही साउंड करता है, और 80% पे तो काफ़ी अच्छा लाउड हो जाता है। तो अगर इनिशियली रेटिंग की बात करूँ, आई स्टिल हैव टू रिव्यू दिस एंड फॉर अ वीक एटलीस्ट, जब तक मैं पूरे इसके प्रॉपर रिव्यू दूंगा तो 1 हफ्ता लगेगा मुझे इसको पूरा टेस्ट करने में, बट इनिशियल इंप्रेशंस आई वुड से इट्स सॉलिड 8.5 out of 10 इन साउंड क्वालिटी। इट्स रियली गुड, मतलब कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट एट विच दीज एयरबड्स कम एट, आई मीन 999 रुपीज़, तो मतलब 999 के लिए यू आर गेटिंग एन ऑसम साउंड क्वालिटी। नाउ ये लॉन्ग टर्म में कितना चलेगा आई डोंट नो अबाउट इट बिकॉज आई हैवंट यूज देम फॉर लॉन्ग टर्म, बट अभी के लिए इनिशियली फर्स्ट इंप्रेशंस में दीज आर रियली गुड। फोर्थ चीज़ जो मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, दैट आर इट्स फीचर्स। सो ये IPX4 रेटेड है वाटर रेजिस्टेंस के लिए, तो ये तो होगी अच्छी अच्छी बातें इसके बारे में, पीट्रॉन बेस बर्ड्स के बारे में। नाउ दो ऐसी चीज़ें जो मुझे फर्स्ट इंप्रेशंस में कतई अच्छी नहीं लगी। पहली चीज़ इसका डिज़ाइन बिल्कुल ही कचरा डिज़ाइन है। मीन यू कैन सी दैट दिस इज द एयरबड्स केस, और ये जो एयरबड्स का केस है इसको ऐसे खोलना पड़ता है, लाइक इट्स स्टक इन बिटवीन, इतना कचरा केस है ना। एंड इवन इसको बंद करने के लिए इट्स नॉट लाइक दैट कि ये मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक नहीं है, इसको आपको ऐसे बंद करना पड़ेगा, इट्स लाइक डब्बी की तरह बंद करना पड़ेगा और डब्बी की तरह खोलना पड़ेगा। एज यू कैन सी ये मैग्नेटिक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही बुरी चीज़ है, बहुत ही बेकार केस है। एंड द ईयरबड्स इज वेल, दे आर बिल्ट पथेटिकली, मतलब ये 1,000 रुपीज़ में आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1,000 रुपीज़ में यू विल गेट अ एयरपॉड क्लोन और समथिंग लाइक दैट, रियली बैड क्लोन। बट यस, ये जो डिज़ाइन है 1,000 रुपीज़ के लिए आई वुड से ठीक है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब 1,000 रुपीज़ पे जस्टिफाई करता है इसका डिज़ाइन। बट जो इसका डिज़ाइन ओवरऑल अगर देखा जाए ईयरबड्स मार्केट में, तो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। सेकेंड जो वियर चीज़ इसके बारे में ये है कि इसका जो चार्जिंग स्लॉट, एज यू कैन सी इट्स अ USB Type-A स्लॉट। आई मीन USB Type-C आई डोंट नो, इतना कॉस्टली पड़ता है क्या अगर आप 1,000 रुपीज़ में भी प्रोवाइड नहीं कर सकते? आई थिंक प्रोवाइड हो जाना चाहिए 1,000 रुपीज़ में, बट इफ इट्स कॉस्टली और मे बी कॉस्ट लाइक 500 रुपीज़ और समथिंग लाइक 1,500 में शायद इसमें USB Type-C आ जाता, तो इट्स जस्टिफाइड, मतलब 1,000 रुपीज़ में दे आर नॉट प्रोवाइडिंग टाइप सी,
प्रॉबली इट्स जस्टिफाइड, बट अगेन दैट इज द कॉन आई नोटिस फर्स्ट टाइम सींग दिस प्रोडक्ट, और यही दो कॉन है जो मुझे अभी तक मिले इसमें. आई एम गोना चेक आउट दिस ईयरबड फॉर वन मोर वीक और उसके बाद मैं देखूंगा एंड रिव्यू डालूंगा इसका प्रॉपर. फॉर नाउ येस इट कैन बी बॉट इन 1000 rupees. आई मीन साउंड क्वालिटी अच्छी है, केस क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, बट इसमें फीचर्स भी हैं IPX4 एंड टच कंट्रोल्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं. आई लाइक द फिजिकल टच कंट्रोल्स टू बी ऑनेस्ट. फिजिकल टच कंट्रोल्स के साथ व्हाट आई नोटिस, आई हैवंट हैड फिजिकल टच कंट्रोल्स ऑन एनी ईयरबड्स दैट आई टेस्टेड बिफोर, बट आई नोटिस कि आप कभी भी रॉन्ग नहीं जाते हो, आपको पता है कि कितनी बारी टैप करना है. इट्स इट मेक्स यू मेक मोर एफर्ट, बट कभी भी ये रॉन्ग नहीं होता है फिजिकल, अगर आपके पास फिजिकल टच कंट्रोल्स हो तो. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट, दिस फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द पीट्रॉन बेस बड्स. प्रॉपर नेम शायद यही है, बेस बड्स के आगे भी कुछ है, बट येस दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशंस. और अगर देखा जाए तो प्रोज इसके अभी तक मुझे थोड़े ज़्यादा लगे एज कम्पेयर टू कॉन्स, बट कॉन्स भी बहुत ही ज़्यादा विजिबल थे फर्स्ट डे पे ही. बट आई एम गोना सी एंड चेक फॉर वन मोर वीक, तब पता लगेंगे इसके कॉन्स और प्रोज असली क्या हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक्ड इट. कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज. आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन. टिल देन peace out, bye bye, and keep washing your hands, bro.